बात करने के बाद अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली से थोड़ा दूर राजस्थान की तरफ, जहां पर आज बहुत चुनावी सरगर्मी थी। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राजस्थान पहुंचे, ये सातवां दौरा इस साल का उनका, बहुत तेजी से राजस्थान जा रहे हैं। हम सब जानते हैं राजस्थान में चुनाव है, और आज उन्होंने चुनावी बिसात तो बिछाई कुछ घोषणाएं भी की, जिससे आम जनता को, राजस्थान के वोटर को मदद देने की वादे करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए। क्या कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन दिलचस्प बात हुई चुनावी नोकझोंक पर। आज सुबह से ही पहले अशोक गहलोत साहब ट्वीट करते हैं, उसका जवाब पीएमओ देता है, फिर गहलोत साहब ट्वीट करते हैं, फिर प्रधानमंत्री रैली, अपनी रैली में पहुंचते हैं, और वहां पर क्योंकि ये कहा गया गहलोत साहब की तरफ से कि उनके जो समय दिया गया था भाषण देने का वो कर्टेल कर दिया गया, वो मना कर दिया गया, इसलिए वो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम चाहते हैं कि आप आइए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए, आपका स्वागत है। लेकिन जब चुनावी रैली हुई तो प्रधानमंत्री ने, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, उन्होंने उल्टा पलट कर सवाल खड़ा कर दिया विपक्ष की ओर पर। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कहीं पर महिलाओं पर एट्रोसिटी हो रही है, उन्होंने राजस्थान का नाम लिया कि राजस्थान अब और नहीं सहने वाला है। इसके साथ साथ उस लाल डायरी का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसको लेकर राजेंद्र गुड़ा हमला कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत ने लाल डायरी का जवाब लाल टमाटर की बातों का जिक्र करके किया है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। अगली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1,500 रुपये का करके मचा रखी है, लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपूर कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है, उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हैं कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूँ, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है, सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है, और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी।